तो फाइनल दोस्तों, अब हमें शाहरुख खान की फिल्म किंग का टीजर ट्रेलर शाहरुख के जन्मदिन पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, हर तरफ यह खबर चल रही है कि किंग का अनाउंसमेंट टीजर आने वाला है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, फिलहाल थोड़ा सा टाइम सिद्धार्थ आनंद अपने एक्शन को डिजाइन करने में दे रहे हैं ताकि किंग को एक दमदार एक्शन थ्रिल फिल्म बनाया जा सके। वही दोस्तों, सुजॉय घोष का कहना है, किंग फिल्म जब रिलीज होगी सारे रिकॉर्ड तबाह कर डालेगी और शाहरुख भी इसके बाद पठान 2 पर काम शुरू कर देंगे। आप लोग शाहरुख की किस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं कमेंट में जरूर बताना, लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा हाइप द किंग फिल्म की ही है और ये फिल्म जब भी आएगी सारे बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ देगी। वही शाहरुख भी किंग फिल्म को बड़े लेवल पर लेकर जाने को तैयार है, लेकिन इससे पहले शाहरुख खान अपनी फिल्म द किंग की सारी तैयारी कर रहे हैं। अगले साल आपको 2 बड़ी फिल्में शाहरुख की देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान की फिल्मों का इंतजार कर रहे हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताना कि अब आप शाहरुख की किस फिल्म को पहले देखना चाहते हैं। वैसे तो शाहरुख खान पठान 2 पर भी काम शुरू कर चुके हैं, जो यशराज स्टूडियो के स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म है। वही कुछ खबरें ये भी सामने आ रही है कि शाहरुख द किंग को पहले रिलीज करेंगे। वही दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शाहरुख खान अभी ऋतिक रोशन के पिता से भी मीटिंग कर चुके हैं। इस साल शाहरुख अपनी फिल्मों को सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें ज्यादातर एक्शन फिल्में ही होगी। वही दोस्तों, शाहरुख की कंपनी की तरफ से बताया गया है वो रोमांटिक फिल्में नहीं करेंगे, अब सिर्फ शाहरुख एक्शन फिल्मों को साइन करने वाले हैं। खबरों की माने तो 3 बड़ी फिल्में शाहरुख करेंगे जिनको वो अनाउंसमेंट करने वाले हैं। इसके अलावा 3 बड़ी फिल्म शाहरुख खान के हाथ लगी है जिनका अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। दोस्तों, शाहरुख खान के लिए पिछला साल 2023 ब्लॉकबस्टर रहा। उन्होंने अपनी सभी फिल्मों से करोड़ का बिजनेस किया, जहां किंग खान ने साल की शुरुआत सिद्धार्थ आनंद की पठान और उसके बाद एटली की जवान की रिलीज के साथ की और साल का अंत राजकुमार हिरानी की डंकी के साथ किया और अब इसके बाद वह अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में लग गए हैं। फिलहाल की अपडेट के मुताबिक किंग खान इस बात से बेहद खुश हैं कि उनका साल कैसा गुजरा।